कल्याण ज्वेलर्स से शुरुआत करना चाहेंगे, जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा आज क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं कि अभी क्या करना चाहिए, निकल जाएं या बने रहें। कल्याण ज्वेलर्स पर सर क्या करना चाहिए? काफ़ी शानदार दिवाली से पहले तक हमने देखा कि एक प्राइस मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अब थोड़ी सी सुस्ती आई हुई है। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है, क्या वेट करना चाहिए अभी कल्याण ज्वेलर्स में? आई थिंक वोट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड अंडरस्टैंड कि गोल्ड का जो ट्रेंड है उसको जानना चाहिए। देखो ये स्टॉक लास्ट एक साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, गोल्ड ने भी सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। और जब जब से गोल्ड गिरना चालू हो चुका है पोस्ट अपने ट्रम्प साहब का इलेक्शन होने के बाद, मुझे लगता है कल्याण ने भी सेम ट्रेंड नीचे आना चालू हो चुका है। बट मैं होल्ड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आगे जाके जो शादियों का सीजन चालू होने वाला है नवंबर एंड से दिसंबर जनवरी फरवरी तक, तो मुझे लगता है इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल लोग बोलते हैं दिवाली है, बट मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मुझे लगता है शादी का फेस्टिवल है। तो अगले 3-4 महीने के लिए चलने वाला जो शादी का फेस्टिवल है उसको लगता है 50 लाख करोड़ का, मुझे लगता है कि एक मार्केट वैल्यूएशन दे रहे हैं कि मैरिज का जो सेक्टर है इतना बड़ा है। तो उसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20 से 30% जो पार्ट ऑफ शादी का एक्सपेंसेस होता है वो गोल्ड पे होता है। तो आई थिंक कल्याण ज्वेलर्स और जो भी अदर लिस्टेड अनलिस्टेड ज्वेलरी कंपनीज हो उनके लिए अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए। और गोल्ड अभी रिसेंटली थोड़ा नीचे गिरा भी है 5 से 6%। तो मुझे लगता है कि क्लाइंट्स को होल्ड करना चाहिए जो पुराने हैं, और अगर नया क्लाइंट्स को लेना है तो मुझे लगता है 620-600 के आसपास अगर बाई एनी सेलिंग प्रेशर अगर स्टॉक मिलता है तो वहां पे एक्युमुलेट करना चाहिए विद 3 to 4 months का व्यू। मतलब फेब्रुवरी या मार्च तक का मेरा व्यू रहेगा शादी का सीजन खत्म होने से पहले, तो वहां तक मुझे लगता है कि 15 से 20% का रिटर्न आने की कोशिश करेगा। बट यस, ऐसे मार्केट में थोड़ा स्टॉप लॉस उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, और 600 मतलब 599 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके कल्याण ज्वेलर्स को होल्ड करना चाहिए।